हाय एवरीवन, दिस इज़ राम्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ क्रिएटिव मेकअप। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव मेकअप मुझे बहुत पसंद है, तो आज मैंने सोचा फिर से क्रिएटिव मेकअप करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राम्या1, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन येलो आई शेडो। तो इसे मिक्स करके मैं अप्लाई कर लूँगी फोरहेड और थोड़ा नोज एरिया, पोरिया पे और चिन पे। तो थोड़ा मुझे येलोश लुक चाहिए, येलो थोड़ा दिखे, ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट में ही। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन में मिक्स करके लगाया। और अब मैंने लिया है डार्क ब्लू शेड और इसको अपने फोरहेड से मैं छोटे से ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे फोरहेड पे अपने अप्लाई कर लूँगी। इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे, जहाँ जहाँ मुझे चाहिए ब्लू शेड वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी लाइट शेड में। इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। आई शेडो को अप्लाई करने के लिए आप ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है ब्लू फेस पेंट और इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, बाद में इसे ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं हल्के हल्के हाथों से बस ऐसे शेप दे रही और इसे ब्लेंडर की हेल्प से मैं थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। और जहाँ जहाँ मुझे चाहिए लाइट शेड या फिर डार्क शेड मैं वहाँ अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई शेडो लिया ताकि इसे अच्छे से डार्क लुक दे सकूँ और अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। और सेम मैं प्रोसेस दूसरे साइड भी अप्लाई कर रही, इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको फेस पेंट मतलब ऐसे क्रिएटिव लुक पसंद है या फिर जो भी ट्रेडिशनल लुक है मेकअप वगैरह प्रॉपर आपको वैसे पसंद है। तो मुझे जानना है कि सच में मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर वो कैसे मेकअप पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही लाइट शेड ब्लू लाइट शेड और इसे मैं अपने आई ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। ब्लू शेड के बाद इसे एक फिनिश देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं अप्लाई करना है, बस हल्का सा। और इसको साइड से भी अप्लाई कर लेंगे हम अपने चीक्स पे भी, जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी अप्लाई कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर मैं सारे शेड इसलिए नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उसमें मिक्स हो जाएगा, सारे कलर सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग ब्रशेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी अगर ऐसे क्रिएटिव लुक करते हो तो अलग अलग ब्रशेस का ही इस्तेमाल करो। अब मैं यहाँ पे मैं ले रही विंग बना रही, तो यहाँ पे लिया मैंने वाइट शेड और उसके हेल्प से मैं यहाँ पे विंग शेप दे रही। तो थोड़ा सा लग गया था तो उसको हल्के हाथों से रिमूव कर ले, ज़्यादा स्मर्श ना करें वरना बहुत मैसी हो जाएगा। और सेम दूसरे साइड पे भी हम क्रिएट कर लेंगे। जब तक मैं इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हो वहाँ शेयर करना। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, न्यू वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हो, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी, इंडियन मेकअप लुक, वेडिंग लुक, हेल्दी वगैरह, सारे बंगाली लुक, आपको ढेर सारे क्रिएटिव लुक मिल जाएंगे, कश्मीरी लुक। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप विज़िट कर सकते हो। अब मैंने जो विंग्स क्रिएट कर रखे थे अब मैं इसमें फिलअप कर रही ब्लू शेड। तो आप फेस पेंट में कोई भी यूज़ कर सकते हो शेड जो भी आपको पसंद हो। तो मुझे ब्लू अच्छा लगा और ये जो भी क्रिएटिव लुक था उसके साथ ब्लू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ। आपको जो अगर दूसरा शेड पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। और अब मैंने लिया डार्क ब्लू शेड और उसको अपने अंडर आई एरिया पर अच्छी तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी, फिलअप कर लूँगी ताकि एक अच्छा लुक आए। और इसकी जगह आप अंडर आई एरिया पे आप पिंक, पर्पल और भी कई सारे शेड अप्लाई कर सकते हो, जो इस लुक के साथ मैच कर करे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं अप्लाई कर रही और इसके बाद मैं एक शेड और अप्लाई करूँगी पर्पल और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। और पर्पल और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा और एक लाइट शेड ब्लू, स्काई ब्लू शेड भी सही अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन सही जाता है। तो आप ये तीनों चारों शेड अप्लाई कर सकते हो।
इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद मैं छोटे छोटे विंग्स यहाँ पे बनाऊंगी फैदर आइस के पास, छोटे छोटे ऐसे जो बर्ड्स के होते हैं एकदम छोटे छोटे, वो वाले जो एकदम नेक के पास होते हैं वो, और इसे हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है वाइट फेस पेंट और उसकी हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ग्लिटर से अप्लाई करेंगे, बट वो उतना क्लियर कैमरे पे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से रिमूव करके क्लीन करके फिर मैंने ये कलर चूज़ किया, उस इससे ज़्यादा सही कैमरे पे नज़र आ रहा था। और एक यहाँ पे बड़ा फैदर हम ड्रॉ करेंगे फेस पे अपने, दूसरी साइड भी सेम हम ड्रॉ कर लेंगे फेस आर्ट, फटाफट हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसे वीडियोस आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, इंडियन मेकअप या फिर और भी जो भी वायरल हैक्स वगैरह हैं उस पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आप मेरी चाहते हो वीडियो में मैं कुछ ठीक करो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरे लिए ले रही स्काई ब्लू शेड, तो ये शिमरी शेड है और उसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया डार्क ब्लू शेड और उसे अपने आई शेडो पे अप्लाई कर आई शेडो अप्लाई करूँगी। इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। और इसकी जब जगह आप कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हो, बट ये मैं पूरा मैचिंग कर रही थी तो मैंने अप्लाई करा। और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद मैंने लिया था ग्रीन शेड और इसे जो मैंने विंग्स फैदर ड्रॉ किया था उसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रही थी, ग्रीन शेड दे रही थी थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं जहाँ मुझे लगता था कि हाँ मुझे यार टच देना चाहिए ग्रीन का, तो वहाँ वहाँ मैं ग्रीन शेड अप्लाई कर रही। और ये मैं किसी को कॉपी करके नहीं बता रही, ये मैंने खुद एक पेंटिंग देखी जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये लुक क्रिएट करना चाहिए जो काफ़ी क्रिएटिव थी, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। और अब मैं यहाँ पे मैंने लिया वाइट और ग्रीन शेड को मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक पेंट बनाया उस, और वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये फोरहेड और नेक एरिया पे पूरा अच्छी तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा डार्क शेड ना करें क्योंकि ये पूरा डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप वाइट कलर ज़्यादा लें और ग्रीन थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी कम रहे, और उसे मिक्स करके मैं अप्लाई कर रही। और यहाँ पे मैंने लिया है स्पार्कल और इसकी हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ब्रश की हेल्प से डॉट डॉट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस वीडियो से पहले भी मैंने एक क्रिएटिव लुक किया था, पिक ऑफ फैदर लुक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो काफ़ी वीडियो अच्छी थी और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो लुक मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उन्होंने देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी वो ऐसा होता है कि मेरी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बैठ के सिर्फ वीडियोज़ देखती रहती हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही ग्रीन शेड अपने आईब्रोज़ के पास और इसे अच्छी तरीके से मर्ज कर लेंगे ताकि अच्छा लुक आए। और इसके बाद मैं थोड़ा सा फोरहेड नोज़ एरिया पे भी अप्लाई करूँगी, अपने चिन पे हाईलाइट करूँगी मैं ग्रीन शेड से, और ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और अब मैं अप्लाई कर रही मस्कारा, तो मैं फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्लैक शेड फॉल्स आईलैश की ज़रूरत है। और सेम कलर मैंने जो वाइट ग्रीन का मिक्सचर बनाया था वो सेम कलर मैं अपने नेक एरिया पे अप्लाई करूंगी अच्छी तरीके से। इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे हम और ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा, ये मुझे क्रिएट करके सच में ये लुक क्रिएट करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने अपने कान पे भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी ताकि ये ग्रीनरी शेड आए। और यहाँ पे मैंने लिया मनी प्लांट का, जो मेरे यहाँ फर्स्ट मनी प्लांट का लगा हुआ है उसका एक मैंने लीफ लिया और उसकी हेल्प से मैंने एक डार्क ग्रीन शेड के लेकर अपने गले एरिया पे और दो तीन मैंने और भी ऐसे
लुक क्रिएट करें। और ये लुक सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये काफ़ी अच्छा लुक है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इसका एक लुक क्रिएट करूं, बट वो मैंने कर नहीं पाई। बट मैंने सोचा कि आज ये कर लेते हैं, छोटा सा ही एक सही, लेकिन ये सच में बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। और मैंने 4 लिप्स पे ऐसे बनाए और उसके बाद मैं ग्रीन शेड से लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हो, बट मुझे ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इस पर ग्लिटर अप्लाई करूँगी अपने फिंगर की हेल्प से डैब डैब करके। तो मैंने यहाँ ग्रीन और सिल्वर ग्लिटर अप्लाई करा और थोड़ा सा पर्पल। मैंने 3 कलर मिक्स करके अप्लाई करे थे, पर्पल, सिल्वर और ग्रीन। उसे डैब डैब करके मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से। और अपने आईलिट पे मैंने अप्लाई करा था ब्लू शेड ताकि एक शाइनी लुक आए। और ये हुआ मेरा मेकअप कंप्लीट। मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। आज का क्रिएटिव मेकअप लुक, आई होप आप सभी को पसंद अगर आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करो आप। मुझे अच्छा लगेगा उसे रीड करके। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा उस टॉपिक पे लुक क्रिएट करके। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।